सो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो मार्क द करेक्ट ऑप्शन इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइडेड है कि ऑन एडिंग एसिटोन सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री ओवर हेयर एंड सी एच थ्री ओवर हेयर टू मीथेनॉल सी एच थ्री ओ एच सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन मीथेनॉल मॉलिक्यूल्स ब्रेक देखो भाई मीथेनॉल है एल्कोहल है तो यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी सपोज मैं मीथेनॉल को ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और एसीटोन को मैं बी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो यहाँ पर मीथेनॉल मीथेनॉल में अच्छा खासा इंटरेक्शन है सो ए ए इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है ए ए इंटरेक्शन क्या है ए ए इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्ग ए इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्ग ऐसे ही अगर मैं एसीटोन के बारे में बात करूँ द सेम गोज विथ दिस सो यहाँ पर ए ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन तो स्ट्रांग है इंडिविजुअली लेकिन जैसे ही मैं एसिटोन को मिथेनॉल में डालती हूँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है इसका मतलब हमारा जो अब ए बी इंटरेक्शन बना है वो वीक है ए बी इंटरेक्शन क्या है बच्चा ए बी इंटरेक्शन हमारा वीक है चलिए तो मैं यहाँ आपको यही कहना चाह रही थी कि हमारा ए ए इंटरक्शन एंड बी बी इंटरैक्शन जो है इट इज़ स्ट्रोंग इट इज स्ट्रोंग इन कंपेरिजन टू ए बी इंटरक्शन ठीक है सो so, यह ये इंटरेक्शन्स कौन से इंटरक्शंस हैं ये इंटरक्शंस दीज इंटरक्शंस ये जो इंटरैक्शन्टरक्शन्स आर स्ट्रॉग दीज इंटरेक्शन्स आर स्ट्रॉग लेकिन ए बी इंटरेक्शन जो है ये वीक है ये वाला जो इंटरेक्शन है ए बी वाला ये इंटरेक्शन क्या है वीक है ठीक है अगर ये वीक इंटरेक्शन है दैट मीन्स क्या इसके जो वेपर्स बनेंगे वेपर्स फॉर्म विल बी मोर है ना वेपर्स फॉर्म विल बी मोर क्योंकि ए बी इंट्रैक्शन वीकर है तो हल्का सा इसको बॉयल करूंगी ना ए बी इंट्रैक्शन को मैं हल्का सा बॉयल करूंगी दैट मीन्स ये ए बी इंटरेक्शन जो है इसको हल्का सा बॉयल किया यार खूब सारे वेपर्स बन जाएंगे यहाँ तो दैट मीन्स दीज इंट्रैक्शन आर गोइंग टू शो पॉजिटिव डेवियशन फ्रॉम रॉल्स लॉ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ और सिंस मैंने इनको हल्का सा ही तो हीट किया है, इसका मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम है दैट मीन्स दीज आर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की कैटेगरी में आ गए एजियोट्रॉप, क्योंकि इनको मैंने हल्का सा बॉइल किया ठीक है और अच्छे खासे वेपर्स बन गए एंड दे शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ दे आर नॉन आइडल सोल्यूशन और अगर मैं हल्का सा हीट कर रही हूँ तो देट मीन्स ये मिनिमम बॉयलिंग एज यू ड्रॉप की कैटेगरी में आ गए तो ये सारी बातें हमने पढ़ लीं तो अब हम ऑप्शन को देखते हैं एट स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन मीथेनॉल और एसिटोन जो है दे आर गोइंग टू फॉर्म मिनिमम बॉयलिंग एज यू ट्रॉप अरे वाह मिनिमम बॉयलिंग एज यू ड्रॉप एंड दे शो द पॉजिटिवियशन फ्राम द रोल्स लो अरे भाई बच्चा बार्टी पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लो मिनिमम बॉयलिंग इज यूर ट्रॉप यही तो मैंने आपको बताया है अभी येस और नो तो सीधे हम मार्क करेंगे कि ऑप्शन वन हमारा सही है बाकी जो चीज़ें क्या कह रही हैं कि मैक्सिमम बॉयलिंग इज यूर ट्रॉप है नो दे आर नॉट मैक्सिमम बॉयलिंग इज यूर ट्रॉप ये ऑप्शन गलत है एट स्पेसिफ़िक कॉम्पोजिशन मीथेनॉल एसिटॉन मिक्सर विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग इज इट बिल्कुल सही लेकिन ये कहना कि वो नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे ये गलत बात है तो ये भी गलत हो गया एट स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन मीथेनॉल एसिटॉन मिक्सर विल फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग यहीं पर ही क्वेश्चन गलत गलत सो so, हमारा ऑप्शन नंबर वन जो है वो बिल्कुल सही जवाब है और उसका रीज़न मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है